CNN News brought to you by Deepak Jeweler, Lakkad Bazar, Solan 9816078655। सोलन जिला के बीबीएन में कर्फ्यू के दौरान एक स्कूटी चालक को जब पुलिस कर्मचारियों ने रोका तो उसने पहले स्कूटी रोकी और एकदम ही स्कूटी चला दी। इस दौरान पुलिस कर्मचारी ने स्कूटी को पीछे से पकड़ रखा था और वह भी स्कूटी के साथ घसीटता हुआ चला गया, जिसके कारण पुलिस कर्मचारी की वर्दी फट गई व मोबाइल भी टूट गया। घटना की सूचना मिलने के बाद अन्य पुलिस कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे और स्कूटी को कब्जे में लेकर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू लगा है, ऐसे में निजी वाहनों में आना जाना भी प्रतिबंधित है। केवल जरूरी ड्यूटी व आपातकालीन स्थिति में ही लोग इधर उधर आ जा सकते हैं। ऐसे में विभिन्न स्थानों पर पुलिस इधर उधर आ जा रहे लोगों से पूछताछ कर रही है और इसी दौरान यह घटना घटी। मैंने रोका उसको, हाँ जी, तो रुका पहले, फिर मैंने बोला कि हाँ भी चल अब साइड को लगा ले, मैंने पीछे पकड़ा हुआ था वो, ये नहीं है तो एकदम से उसने ना स्पीड पकड़ी और मेरे इधर था मेरा था वो इधर गड़ी इधर लेके गया कम से कम 500-600 मीटर। हाँ देखो ना शूज है, देखो ना देखो सारे लेसेस टूट गए, टूट गए पुलिस के, देखो मेरा मोबाइल टूट गया। ड्यूटी का हमारा एक जवान है, इसके साथ इसने बोला कि ये जब यहाँ पे ड्यूटी दे रहा था और यहाँ पेट्रोलिंग कर रहा था तो किसी को इसने रुकने की इशारा दिया, लेकिन वो रुका नहीं है और जब इसने आगे बढ़ कर उसको रुकना चाहा तो वहाँ कहीं उसका हाथ फंस गया स्कूटी में, जिससे कि ऐसा पता लगा है कि वो काफ़ी हद तक उसको स्कूटी के साथ बंधा रहा और साथ ही रगड़ता चला गया। तो इस सिलसिले में हम केस रजिस्टर कर रहे हैं रेलिवेंट सेक्शंस में और केस रजिस्टर करके जो भी वो आदमी है उसको भी अरेस्ट करेंगे। CNN News brought to you by Smart, विवाह शादी की खरीदारी के लिए हिमाचल का सबसे बड़ा प्रतिष्ठित संस्थान, आज ही पधारिए Smart, देवभूमि प्लाजा, राजगढ़ रोड, सोलन।